मोनू मानेसर की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मोनू मानेसर को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दरअसल पटौदी कोर्ट की तरफ से मोनू को 4 दिन का रिमांड मिला था, जो कि आज यानी बुधवार को पूरा हो गया है। आज पटौदी में हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार किए गए मोनू मानेसर का रिमांड पूरा होने के बाद उसे पटौदी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर अदालत ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अदालत ने मोनू को कोर्ट में फिर से पेश करने के लिए 25 अक्टूबर की तारीख निश्चित की है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि मोनू मानेसर की कोर्ट में 25 अक्टूबर को पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अब केस में पुलिस द्वारा चालान पेश करने के दिन ही मोनू को फिजिकल तौर पर कोर्ट में लाया जाएगा। सर, मैं पटौदी बार का सेक्रेटरी हूँ, ऑनरेबल कोर्ट में मौजूद था। 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आज मोनू मानेसर को पेश किया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, बोनसी जेल में। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश किया जाएगा, फिजिकली हियरिंग नहीं होगी। चलान आएगा उस टाइम पे फिजिकली हियरिंग होगी उसकी। वीडियो कॉन्फ्रेंस कब होगी सर? फर्स्ट 25 अक्टूबर को थ्रू वीसी होगी। तो क्या अब दोबारा मोनू मानेसर को जब भी कभी पेशी होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। आपको बता दें कि पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में 7 फरवरी की रात को दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव होने के साथ साथ फायरिंग भी की गई थी। इसमें एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि मोनू मानेसर ने फायरिंग की, जिसकी गोली 12वीं कक्षा के छात्र को जा लगी। मामले में पटौदी थाना पुलिस ने मोनू मानेसर सहित अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। वहीं पिछले दिनों नूह पुलिस ने 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था। नूह अदालत ने मोनू को जेल भेज दिया था, लेकिन नासिर और जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस उसे अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी। इसके बाद से मोनू राजस्थान जेल में बंद था। राजस्थान पुलिस द्वारा मोनू को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद से वह राजस्थान जेल में ही बंद रहा। पिछले दिनों पटौदी थाना पुलिस ने मोनू को अदालत से प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पटौदी अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। लेकिन आज रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में फिर से मोनू को पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।